दीपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे साथ है। दीपेंद्र जी, खिलाड़ियों को समर्थन देने आए हैं, किस तरह से कांग्रेस समर्थन दे रही है अब, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि क्षेत्रवाद और जातिवाद का ये आंदोलन बताया जा रहा है। ये कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? कई लोग कह रहे हैं। लोग कौन सा लोग है? कह रहे हैं किसी हरियाणा के लोग, विशेष जाति के लोग। किसने कहा? सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो फेडरेशन में जो लोग बैठे हैं, फेडरेशन के जो आरोपी व्यक्ति हैं, जो आरोपी व्यक्ति हैं वो ये कह रहे हैं। आरोपी व्यक्ति को अपने डिफेंस में वो कुछ भी कहेगा तो क्या देश मानेगा? अगर आरोपी कहेगा व्यक्ति की ये एक धर्म जाति और प्रदेश के हैं, तो क्या खिलाड़ियों की धर्म जाति और प्रदेश को बांट के देश देखेगा? आरोपी व्यक्ति अपने आरोपों से बचने के लिए इस तरह की बातें कह रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ इस सरकार को कि सरकार न्याय दिलाए हमारी बेटियों को, FIR दर्ज हो, CBI की इंक्वायरी हो, आरोपियों के खिलाफ दंड हो, नहीं तो जो लोग इन आरोपी को बचाने के लिए पिछले 3 महीने से जो सक्रिय हैं, एक एक व्यक्ति को इस जो अपराध का साझा माना जाएगा। बहुत गंभीर आरोप लगे हैं यौन शोषण के, क्या आपको लगता है कि तुरंत इस पर FIR होनी चाहिए? अभी तक पुलिस कह रही है प्राथमिकी जांच करेंगे फिर FIR करेंगे, क्या वजह लग रही है? ऐसा जो है कि इससे सरकार की नीयत स्पष्ट हो जाती है और ये बड़ा दुर्भाग्य। कोई दबाव है ब्रजभूषण का सरकार पे, क्या राजनीतिक दबाव है आपने? तो स्पष्ट रूप से आपको लगता है कि यहाँ पे धरने पे बैठे हैं 6 दिनों के, सरकार की तरफ से कोई अभी तक रिस्पांस नहीं आया है मंत्रालय की तरफ से? सरकार की तरफ से तो आ गया रिस्पांस, पहले ही बैठे धरने पे 3 महीने तक सरकार ने कमेटी के माध्यम से हमारी बेटियों को जो है किस तरीके से इनके मान सम्मान पे चोट पहुंचाई, इनको दोबारा बैठना पड़ा। सरकार का तो रिस्पांस आ गया और सरकार के रिस्पांस को हम रिजेक्ट करते हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा जो कि राज्यसभा सांसद है, समर्थन देने आए हैं खिलाड़ियों को, उनका कहना है कि सरकार किसी तरह से जो रिस्पांस है वो नहीं दे रही है। सरकार ने रिस्पांस के नाम पे जब पहले धरने पे बैठे थे कमेटी बना दी थी, लेकिन उसका जो रिपोर्ट आई है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कर दिया है कि वो हर तरह से खिलाड़ियों को समर्थन देंगे। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।